reach a special 100. It's been an outstanding innings from Shikadon. Paced his innings beautifully. 15th one-day intermission. नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो टॉपिक आप देख के समझ ही गए होंगे। आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है और वो जो अनाउंसमेंट है वो क्रिकेट जगत से है। तो हमारे जो गब्बर हैं, जो हमारी क्रिकेट के मिस्टर आईसीसी जिनको हम कहते हैं और गब्बर भी बुलाते हैं, वो उन्होंने आज जो है वो रिटायरमेंट अपना ऐलान कर दिया है रिटायरमेंट का। और वो इंटरनेशनल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट दोनों से ही रिटायर हो चुके हैं। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूँ। टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खेला, मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। और कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है, तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूँ तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बीसीसीआई डीडीसी का जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो मिस्टर शिखर धवन के बारे में बात करने वाले हैं, उनके करियर के बारे में बात करने वाले हैं और उनके जो करियर में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट करी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और हम बात करेंगे पूरा और आपको दिखाएंगे कि उनके सबसे बेहतरीन पल और बेहतरीन स्टेटस क्या रहे हैं, स्टैट्स क्या रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो हम वीडियो को अब यहाँ से शुरू करते हैं और बात करते हैं शिखर धवन की। तो पहले हम बात करेंगे शिखर धवन की। तो शिखर धवन का जो जन्म है वो 5 दिसंबर 1985 में हुआ था, यानी 5 दिसंबर 1985 में। और उस हिसाब से देखा जाए तो अब वो 38 साल के हो गए हैं। तो अगर 38 साल से देखा उनकी एज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही समय है उनके रिटायरमेंट का। बट मुझे लगता है कि उनके अंदर बहुत क्रिकेट अभी बची हुई थी। बट यू नो, आपको ये पता होगा कि पिछले कुछ 2-3 सालों में उनके साथ काफ़ी दुखद घटनाएं घटी हैं, जिसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि उनका डाउनफॉल हुआ। और शायद उसी के बाद ही डाउनफॉल हुआ होना स्टार्ट हो गया था। 2020 के बाद से ही काफ़ी जब वो मेंटली स्ट्रेस्ड रहे हैं। आप सबको पता है कि उनकी जो वाइफ है आयशा, उन्होंने उनको डिवोर्स दिया 2021 या 2022 में। और उसके बाद से उनके बेटे को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी उसकी जो कस्टडी थी वो आयशा के पास में ही, और वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस थे। उनके जो आप अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम के जो पोस्ट हैं वो भी यही दिखाते हैं। और इस वजह से कह सकते हैं कि उनका मन जो है वो अब क्रिकेट से थोड़ा दूर चला गया था। अब अगर हम पिछला अगर सीज़न आईपीएल का भी बात करें तो पंजाब किंग्स के वो कैप्टन रहे हैं पिछले सीज़न में। और बट कुछ ही मैचेस के बाद में वो इंजर्ड होकर बाहर चले गए। उसके बाद जितनी भी जो बाकी की कैप्टनसी और क्रिकेट है वो सैम करन ने खेली थी, जैसा कि हो सकता है आप लोगों को ये सब चीज़ें पता हो, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। तो इस वजह से हमें ये लगता है कि उनका जो क्रिकेट है और जो उनका मन है वो इस चीज़ से हट गया। और आज उन्होंने एक ऑफिशियली वीडियो बना के, और काफ़ी 1-1.5 मिनट का आई थिंक वो वीडियो है, और आपको कुछ मैं फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए, जैसे एमएस धोनी के लिए उन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें की है और शुक्रिया अदा किया है सारे फैंस का, स्टाफ का, और क्या कहते हैं बीसीसीआई का, उनके दोस्तों का, कि जिन्होंने उनका इस टाइम पे साथ दिया और उनको आगे करियर में हेल्प किया बढ़ने में। एक इंटरव्यू की क्लिप भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ऐसा उन्होंने उसमें कहा है कि अगर शुभमन गिल उनसे बेहतर कर रहे हैं तो मैं शुभमन गिल को आगे प्रमोट करूँगा। आई फील कि जैसे अभी इस वक्त शुभमन है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि शुभमन दोनों फॉर्मेट खेल रहा था और बहुत अच्छा कर रहा था, उन्हें टेस्ट मैच में भी, टी20 में भी, तो वो इंटरनेशनल सर्किट में ज़्यादा मैचेस खेल रहा था और मैं इतने नहीं खेल रहा था। तो अगर मैं सिलेक्टर होता तो ज़रूर शुभमन को मौका। तो गब्बर इज़ अ सेल्फलेस क्रिकेटर जो हमने आज तक देखा है। तो बात करें अगर शिखर धवन की, तो उनका जो निकनेम है मिस्टर आईसीसी और मिस्टर गब्बर, वो इस गब्बर तो उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं उनकी पर्सनालिटी जो है बहुत दमदार रही है क्रिकेट में, और इसीलिए उनको
गब्बर बोला जाता रहा है, बट मिस्टर आईसीसी क्यों बोला जाता है वो आपको आगे पता चल जाएगा, बने रहिए आप। तो मैं आपको ये भी आगे बता दूंगा कि ऐसा क्यों कहा गया उनको मिस्टर आईसीसी। तो अगर मैं बात करूं उनके क्रिकेट करियर की, तो क्रिकेट करियर की शुरुआत उन्होंने 2010 में ओडीआई में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वहां से उनका क्रिकेट करियर स्टार्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने 2013 में अपना टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया, उसके बाद उन्होंने T20 में डेब्यू किया, और हर जगह उन्होंने झंडे गाड़े हैं। उनके स्टैट्स बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट और अच्छे एवरेज के साथ में उन्होंने रन बनाए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर उनको मिस्टर आईसीसी और गब्बर क्यों बोला जाता है। तो पहले बात करते हैं कि मिस्टर आईसीसी क्यों बोला जाता है और मिस्टर गब्बर क्यों बोला जाता है। भाई मिस्टर गब्बर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी गब्बर जैसी थी। तो मतलब वो जब पिच पे आते थे ओपनिंग करने, आई थिंक ओपनिंग करने रोहित शर्मा और शिखर धवन से बेस्ट ओपनिंग जोड़ी किसी की नहीं रही होगी। उन्होंने बहुत रन मारे हैं, बहुत रन, मतलब धुआं कर दिया, इतने रन मारे उन्होंने साथ में मिलके। तो इसीलिए उनको मिस्टर गब्बर भी बोला जाता है। मिस्टर आईसीसी उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में गब्बर के जो स्टैट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त है शिखर धवन के। और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आखिर उन्होंने किस किस टूर्नामेंट में और कैसे कैसे उन्होंने रन्स बनाए हैं। पहले बात करें हम 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसमें उन्होंने 363 रन बनाए हैं। और उसके बाद बात करें एशिया कप 2014 की, तो 192 रन उन्होंने उस एशिया कप में बनाए थे। 2015 के वर्ल्ड कप में वो हायर स्कोर थे, जिनमें इन्होंने 412 रन बनाए थे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें 2017 की, जिसमें उन्होंने 338 रन बनाए थे। और एशिया कप 2018 का अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने 342 रन बनाए थे, जो कि मतलब एक्सट्रीम लेवल के स्कोर है। और उसके बाद तो उन्होंने खेला ही नहीं। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया स्टैट्स हैं उनके आईसीसी टूर्नामेंट के, और शायद इसीलिए उनको मिस्टर आईसीसी बुलाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं उनके क्रिकेट करियर की, इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की, कि उन्होंने कितने कितने स्कोर किए हुए हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे टेस्ट से, जो कि बहुत ही बढ़िया उनके स्टैट्स हैं। अगर देखा जाए तो 34 मैचेस उन्होंने टेस्ट के खेले हुए हैं, जिसमें उन्होंने 2315 रन बनाए हैं 40 की एवरेज के साथ में, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर जो था वो था 190। और सबसे बेहतरीन बात है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है उसमें 66 है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बेहतरीन उनके ने, कितना फास्ट खेलते रहेंगे वो टेस्ट में भी। उसके बाद अगर हम बात करें ODIs की, तो ODIs में उन्होंने काफ़ी स्कोर किया हुआ है, काफ़ी मैचेस खेले हैं। ODIs में उन्होंने 164 मैचेस टोटल खेले हुए हैं, जिसमें 6793 मतलब 6793 उन्होंने स्कोर किया हुआ है, जिसमें 44 के साथ में उन्होंने 44 की एवरेज के साथ में उन्होंने खेला हुआ है। हाईएस्ट 143 इनका रहा है, और इसमें जो इनका स्ट्राइक रेट है वो 91 का रहा है, और इन्होंने 17 शतक टोटल लगाए हुए हैं ODIs में ही। और अगर हम बात करें T20s की, तो T20s में इन्होंने 66 मैचेस खेले हैं, जिसमें 1760 रन इन्होंने बनाए हुए हैं 27 के एवरेज के साथ में, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 126 रहा है, और 92 जो है वो इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेट इनका जो स्टैट्स है वो बहुत ही बेहतरीन है, और इन्होंने एक बहुत अच्छा करियर अपना किया है। बट यू नो, अगर वो संन्यास ले रहे हैं तो बहुत ही दुख हो रहा है। मैं उनको देखना चाहता था आगे भी, कि वो आगे और अच्छा परफॉर्म करें और आगे जाएं। अब हम बात करते हैं शिखर धवन ने जो MS धोनी के बारे में बोला है। उन्होंने ये बोला है कि MS धोनी उनको 2015 के वर्ल्ड कप में लेके आए, जब वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे अपने क्रिकेट में। और उसके बाद उस टाइम MS धोनी 2015 के वर्ल्ड कप में वो कैप्टन थे, तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया हुआ है, उन्होंने बहुत थैंक यू बोला है MS धोनी को। और उन्होंने ये बोला है कि धोनी ने उनकी हेल्प करी 2015 में, उनको वापस लाए, और वापस लाने के साथ ही उनके ऊपर भरोसा दिखाया कि वो ओपनिंग कर सकते हैं। उन्होंने बहुत धन्यवाद किया है MS धोनी का, तो ही इज़ वेरी ग्रेटफुल पर्सन एज वी नो। बट यू नो, हम कह भी कह सकते हैं, देखा जाए तो एज के हिसाब से बहुत परफेक्ट टाइम है उनके लिए संन्यास लेने का। बट हम चाहते थे उनको एक बार फिर से क्रिकेट फील्ड में देखना, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ, और यहाँ पे एक एरा ख़त्म हो गई है। MS धोनी ने संन्यास ले लिया, सुरेश रैना ने ले लिया, रोहित शर्मा ने T20 से ले लिया, कोहली ने T20 से रिटायरमेंट ले ली, और अब यहाँ पे शिखर धवन ने भी सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, और इसके बाद से ये एरा ख़त्म होती है। होपफुली जो हमारी ये नेक्स्ट जनरेशन है वो क्रिकेट को और बड़े मुकाम पे ले जाए, और हम यहाँ पे शिखर धवन को वेल विशेस कर सकते हैं।
और उनके आगे जीवन के लिए उनको बधाई देते हैं कि वो आगे और अच्छा प्रोग्रेस करें और अपने टफ टाइम से बाहर निकलें और सबसे खास तौर पे वो अपने बेटे से मिल सकें। धन्यवाद।